नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज जुड़ते हैं एक महिला साथी के साथ जो कि लगातार डेरा सच्चा सौदा में जाती रही और जाती हैं। जी मैम, आपका नाम? मधु वर्मा। मैम कहाँ से हैं आप? पानीपत से। मैम कितना समय हो गया आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? मेरे को 25-26 साल हो गया। मैम 26 साल के लगातार लंबे समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, तो कैसा माहौल देखा है आपने डेरा सच्चा सौदा का? बहुत ही अच्छा माहौल देखा है हमने। जब भी यहाँ आते हैं लेडीज अलग होते हैं, जेंट्स अलग होते हैं, कैंटीने भी अलग अलग है, सब काम बहुत अच्छा है। कैसा विश्वास है आपका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा व डेरा सच्चा सौदा? मेरा तो बहुत ही विश्वास है गुरमीत राम रेम जी इंसा हमारे गुरु है, हमारे लिए तो वो भगवान है। और डेरा सच्चा सौदा में हमारा परिवार तो 40 साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं जब से मेरी शादी हुई है 26 साल हो गए मेरे को, मैं तब से जुड़ी हुई। मैंने यहाँ बहुत अच्छा माहौल देखा है, जब भी हम यहाँ आते हैं हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मैम विश्वास का कारण क्या है, आप क्यों विश्वास करते हैं डेरा सच्चा सौदा व संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा पे? हम उनके ऊपर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो जो हमें नाम देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसका जाप करो, उसके जाप करने से हमारे बहुत दुख तकलीफें भी दूर होती हैं, बीमारियां भी दूर होती हैं, यहाँ तक कि मुर्दे तक भी जिंदा हो गया उसके स्मरण करने से, नाम जपने से। हम गुरुजी समाज में 5 साल से नहीं थे, समाज में क्या फर्क पड़ा था गुरुजी के ना होने का? समाज में बहुत बुरा असर पड़ा है, लोग नशे में डूब गए हैं, बहुत युवा जो है नशा करने लग गया है। अगर पिताजी होते यहाँ तो इतना बुरा हाल ना होता, देश का बहुत बुरा हाल हो गया। युवा जो है नशे में डूब गया है, पंजाब है, पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा है, घर घर में बच्चे नशा करने लगे हैं। तो अगर वो आज अब वो आए हैं जो एक महीना लगा गया है, तो एक महीने में बहुत ज़्यादा सुधार कर गया है। बहुत ही ज़्यादा संगत ने, कम से कम 20-30 लाख संगत ने नामदार ले लिया है, बुराइयाँ छोड़ दी हैं। गुरुजी अभी फरलो पे आए थे, उन्होंने क्या कार्य किए समाज के लिए व देश के लिए? उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, हमें अच्छी शिक्षा दे के गए हैं। एक तो उन्होंने नामदान दिया है तो बुराइयों से छुड़ाया है, और क्या कहते हैं हमारे देश का जो तिरंगा है उसके लिए भी हमें वो जो है कसम खुआ गए हैं कि आप उसकी रक्षा करोगे, मतलब कि इज्जत करोगे, उसकी घर में स्थापित करोगे, और हम बहुत सम्मान करते हैं अपने देश का। हम गुरुजी समाज में फिर से नहीं है अभी, तो गुरुजी के ना होने से समाज का एक बदला हुआ रूप, और गुरुजी के होने से क्या बदलाव आ सकता है समाज में? गुरुजी आ जाएंगे तो ये जो धरती है स्वर्ग बन जाएगी, मतलब कि सदियों की आ जाएगा। और गुरुजी परमानेंट आ जाए ना तो देश का नक्शा ही बदल जाएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल होगा। एक किस्म का जैसे आप बुराइयों में जुड़े हुए हैं, लिप्त है लोग, तो उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। गुरुजी ने समाज हित के लिए क्या कार्य किए? उन्होंने तो इतने कार्य कर रखे, 142 मानता भलाई के कार्य शुरू कर रखे हैं, तो जो सार संगत है उनके कहने के सब काम बहुत अच्छे से करती है। गरीब लोगों को मकान बनवा के देती है, गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाती है, गुर्दा दान, अंग दान, आँखें दान, इतना कुछ करते हैं, तो सब हम गुरुजी के कहने से ही करते हैं। समाज व लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा व डेरा सच्चा सौदा? मैं तो सरकार से यही अपील है कि हमारे गुरु जी निर्दोष है और उन्हें भाई जन बरी किया जाए, क्योंकि समाज में ऐसे गुरु की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जल्दी जल्दी उन्हें रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है एक महिला जो कि लगातार 25-26 साल से डेरा सच्चा सौदा में आती रही है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा डेरा सच्चा सौदा के साथ, बस गुरु जी के साथ? आप अगर डेरा सच्चा सौदा कभी आए तो आप भी जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।